लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता भेजा जाएगा। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को फोन करके पीएम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी। इसी दौरान कॉल पर मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण शामिल होने का भी न्योता दिया, जिसे विक्रमसिंघे ने स्वीकार कर लिया है। वहीं बांग्लादेश के पीएम के साथ भी फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें समारोह का आमंत्रण भी दिया है।